नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी ने बनाया बंगाल फतह का प्लान, स्पेशल सेवन से ममता बनर्जी के किले में लगाएगी सेंध। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल को फतह करने के लिए भाजपा ने खास रणनीति तैयार की है। पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 7 केंद्रीय नेताओं को ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगाने की जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा की इस स्पेशल सेवन टीम में संजीव बालियान, गजेंद्र शेखावत, अर्जुन मुंडा, मनसुख मंडाविया, केशव मौर्य, प्रधान सिंह पटेल और नरोत्तम मिश्रा शामिल है। ये सभी नेता अपने अपने स्तर पर राज्य में पार्टी को मजबूत करेंगे और ममता बनर्जी की कमजोरियों को तलाश कर उसके अनुरूप रणनीति तैयार करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19-20 दिसंबर को 2 दिवसीय यात्रा पर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। इस दौरान इन नेताओं के साथ अलग से एक बैठक करेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आंदोलन करना किसानों का अधिकार, बातचीत होने तक कृषि कानून लागू न करने का दिया सुझाव। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसानों के प्रदर्शन को हटाने संबंधित याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SS बोबड़े, जस्टिस SS बोपन्ना और जस्टिस रामा सुब्रमण्यम की पीठ ने अपने आदेश में लिखा है कि कोर्ट किसी भी तरह से किसानों के आंदोलन में दखल नहीं देगा। विरोध करना उनका अधिकार है, जब तक कि वो अहिंसक रहें। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े ने सुझाव दिया है कि जब तक सरकार और किसानों के बीच समझौते की बात होती है, तब तक इन कानूनों को लागू न किया जाए। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने कहा है कि वह इन सुझावों पर सरकार से बात करेंगे और अगली सुनवाई में सरकार का रुख बताएंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि इसकी गुंजाइश कम है, क्योंकि अगर सरकार कानून पर किसी तरह की रोक लगाती है तो फिर किसान बातचीत ही नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। किसानों को लेकर केंद्र और राज्य में बड़ा घमासान, पंजाब के बाद दिल्ली में भी रद्द किए कृषि कानून। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को रद्द कर दिया है। कृषि कानूनों को रद्द करने वाला दिल्ली दूसरा राज्य बन गया है। दिल्ली से पहले पंजाब ने इन कानूनों को रद्द कर दिया था। दिल्ली सरकार ने बुलाए विधानसभा के विशेष सत्र में नए कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा सत्र के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि किसान आंदोलन में अब तक 20 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन का आज 22वां दिन हो चुका है। इस आंदोलन पर औसतन रोजाना एक किसान की मौत हो रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस कानून को वापस लेने की भी अपील की है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। यूपी में टूटे धान खरीद के पिछले सभी रिकॉर्ड, अब तक बीते साल के मुकाबले 2 गुना किसानों से हो चुकी है MSP पर खरीद। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद को लेकर PM योगी आदित्यनाथ की देखरेख में तैयार हुई योजना सरदार साबित हुई है। इस योजना के चलते ही राज्य में अब तक 6.96 लाख किसानों से 37.29 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। राज्य में बीते साल 16 दिसंबर तक 3.16 लाख किसानों से धान खरीदा गया था। इस तरह बीते साल के मुकाबले अब तक 2 गुने से अधिक किसानों से सरकार ने धान खरीद कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। खरीद की प्रक्रिया अब भी जारी है। यही नहीं, योगी सरकार ने प्रदेश के धान किसानों को सबसे अधिक भुगतान का रिकॉर्ड भी बनाया है। राज्य सरकार ने पिछले 4 साल में प्रदेश के धान किसानों को 31,904 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली खबर का। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यूपी के मंत्रियों को दी खुली चुनौती, कहा करें शिक्षा पर बहस। जी हां दोस्तों, दिल्ली के डिप्टी CM और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव लड़ने पर एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ही उत्तर प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार ला सकती है। बुधवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों को खुली चुनौती दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि वह यूपी के CM या किसी भी मंत्री से शिक्षा के मुद्दे पर ओपन डिबेट के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें बड़ी खुशी हुई है कि 70 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि यूपी के किसी मंत्री या नेता ने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बड़ी घोषणा, 2 साल में देश होगा
होगा टोल नाका मुक्त। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश भर के टोल नाकों को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 2 साल में पूरे देश को टोल नाका मुक्त कर दिया जाएगा। इससे पूरे देश में वाहन बिना रुके कहीं भी आ जा सकेंगे। एसोचैम के कार्यक्रम में गडकरी ने कहा है कि रूसी सरकार की मदद से जल्द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को भी अंतिम रूप दे दिया जाएगा। ऐसा होते ही 2 साल में भारत टोल मुक्त हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि इसके बाद पैसा बैंक खातों से सीधे डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये पैसा वाहन के मूवमेंट के आधार पर लिया जाएगा। अभी भी कॉमर्शियल वाहन व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम के साथ आ रहे हैं। वहीं पुराने वाहनों में GPS इंस्टॉल करने के लिए सरकार कुछ योजना लेकर आएगी। ये घोषणा करते हुए नितिन गडकरी ने यह भी कहा है कि इससे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टोल की आय 5 साल में 1.34 ट्रिलियन तक बढ़ जाएगी। ऐसा GPS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के कारण होगा। इससे लेन देन में पारदर्शिता भी आएगी और कैशलेस लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। देश में ठंड का कहर, इन जगहों पर रिकॉर्ड तोड़ेगी सर्दी। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार इस साल की ठंड सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। मौसम लगातार करवट ले रहा है और उत्तर भारत की सर्द हवाओं की गति तेज होती जा रही है, जिसके कारण कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। हालांकि आने वाले दिनों में पारा काफी नीचे लुढ़क सकता है और आमतौर से अधिक ठंड पड़ने के आसार है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो देश में कई हिस्सों में बर्फबारी भी देखने को मिल रही है, तो कहीं घना कोहरा भी देखा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में उत्तर भारत के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली का तापमान 2 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब में भी ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। उत्तर भारत का पारा लुढ़क कर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार देने जा रही है तोहफा, बढ़ने वाली है सैलरी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नया साल ढेर सारी खुशियां लेकर आने वाला है। साल 2021 में केंद्रीय कर्मचारियों को ज्यादा सैलरी मिलने वाली है। कोविड-19 के चलते इस साल केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ता पर रोक लगा दी गई थी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता 21% के हिसाब से मिलता है, लेकिन अभी ये 17% के हिसाब से मिल रहा है। आपको बता दें कि कोरोना संकट में आर्थिक गतिविधियों के सुचारू रूप से न चल पाने की वजह से केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी। सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से महंगाई भत्ता 21% के हिसाब से मिलना चाहिए था, लेकिन फिलहाल ये भत्ता 17% की दर से दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने जून 2021 तक ये व्यवस्था की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी और शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश के बीच रेल लिंक का किया उद्घाटन। 55 साल बाद चलेगी ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच गुरुवार को डिजिटल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से बात की। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा है कि बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। वहीं शेख हसीना ने भारत के सहयोग की सराहना की है। सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने भारत और बांग्लादेश के बीच चिलाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया है। 55 सालों से बंद चिलाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक को फिर से शुरू किया गया। ये रेल लिंक 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय बंद किया गया था। तब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चाइना के खिलाफ भारत की एक और स्ट्राइक। अब भरोसेमंद कंपनियों से ही खरीदे जाएंगे टेलीकॉम उपकरण। जी हां दोस्तों, सीमा विवाद को हवा देने वाले चीन की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए भारत ने एक और कदम उठाया है। मोदी सरकार टेलीकॉम उपकरणों को खरीदने के लिए भरोसेमंद कंपनियों की लिस्ट बनाएगी, जिसका सीधा मतलब है कि आने वाले दिनों में चीन की कुछ बड़ी कंपनियों को पाबंदियां झेलनी होंगी। इससे पहले मोदी सरकार ने कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। टेलीकॉम सेक्टर में अब तक चीनी कंपनियों का दबदबा रहा है, लेकिन सरकार के इस कदम से उन्हें तगड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कैलाश विजयवर्गीय का दावा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिराने में पीएम नरेंद्र मोदी का था अहम रोल। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिराने को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा दावा किया है। इंदौर में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्हें कहा है कि कमलनाथ सरकार गिराने में अगर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका थी तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान
दौरान तटीय तमिलनाडु पर उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय रहेगा और पुदुचेरी समेत तटीय तमिलनाडु के विभिन्न भागों में मूसलाधार वर्षा जारी रहने के आसार हैं। वहीं आंतरिक तमिलनाडु, केरल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में कोल्ड डे की उपस्थिति जारी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के साथ साथ राजस्थान के कई हिस्सों में शीतलहर की स्थिति भी बनी रहेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों भारतीय बाजारों में गोल्ड के भाव में उछाल दर्ज किया गया। दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव में 194 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है। वहीं चांदी के दाम आज फिर 1000 रुपए से ज्यादा बढ़ गए हैं। 1 किलोग्राम चांदी के दाम में 1184 रुपए की तेजी दर्ज की गई है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 49,261 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 65,785 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। आज के भाव की बात करें तो दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 194 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ गया है, जिससे राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने का भाव 39,455 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं बात करें चांदी की तो 1 किलोग्राम चांदी का भाव 1184 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 65,785 रुपए पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज लगातार 10वें दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके पहले पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 6 दिन तक बढ़े थे। आज तेल मार्केटिंग कंपनियों ने कीमत में फिर कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 83.71 रुपए प्रति लीटर और डीजल का दाम 73.87 रुपए प्रति लीटर अपने पूर्ववर्ती दामों पर ही बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। शेयर बाजार में तेजी का रुख, सेंसेक्स 47,000 के करीब तो निफ्टी 13,740 के नए स्तर पर हुआ बंद। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजारों में जारी तेजी का रुख लगातार बरकरार है। यानी 17 दिसंबर 2020 को भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अब तक के सर्वोच्च स्तर पर रिकॉर्ड बंद हुए। बीएसई का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 0.48% यानी 223.88 अंक उछलकर 46,890.34 के नए शिखर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई के निफ्टी ने भी 58 अंक यानी 0.42% की छोटी सलांग लगाई और 13,740.70 अंक के साथ अब तक के सबसे ऊंचे स्तर को छुआ। सेंसेक्स ने आज एक समय 46,992.57 और निफ्टी ने 13,773.25 अंक का ऑल टाइम हाई छुआ है। जानकारों के मुताबिक दुनिया भर के शेयर बाजारों में पॉजिटिव ट्रेड और भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों की लिवाली के बीच तेजी का रुख बना रहा है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किच क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, कुतुब मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।